उसने जैसे ही भेजा वो धड़ाम से जाके वॉटरफॉल से टकरा के क्रैश होके वहीं गिर गया। यार काश कुछ और देर वेट कर लेते और शायद कुछ मदद मिल जाती, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाता। Welcome back to my channel. I am Digdarshini Raut. I hope everyone is fine out there. So in this video, I'm going to sit down and talk to you about the recent trip that we took to Samudra Lingapur. That's in Hyderabad. It's not a trip, but you can call it a long drive road trip. So yeah, I'm going to talk about all of that. Also, I'm going to share कि वहाँ पे जाके हमारा drone कैसे crash हुआ. We were all panicking. So stay tuned till the end. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel and like this video. So, पिछले वीक मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कुछ वाटरफॉल्स देखने का इन हैदराबाद। आई नो इट्स वेरी टफ टू फाइंड अ वाटरफॉल इन हैदराबाद बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रॉक्स एंड हिल्स हैं। सो आई वेंट टू द यूट्यूब एंड ब्राउज फ्यू वीडियोस की कौन कौन से वाटरफॉल्स नियर हैदराबाद अवेलेबल है सो दैट आई कैन गो एंड एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑन माई वीकेंड। सो मैं यूट्यूब पे गई एंड कुछ वीडियोज ऐसे सर्च किए। सो आई फाउंड दिस वीडियो इन विच द गाय शोड समुद्र लिंगपुर वाटरफॉल विच इज 150 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद। उस वीडियो में वो वाटरफॉल बहुत ज्यादा मैसिव दिख रहा था एंड बहुत सारा पानी गिर रहा था वाटरफॉल से टू द पिट। सो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर वीकेंड मनाना है तो मुझे इसी वाटरफॉल के पास जाना है। फिर मैंने मॉम डैड एंड अविनाश को कन्विंस कर लिया कि चलो इस वीकेंड इस वाटरफॉल में जाते हैं, इट्स गोना बी सुपर फन। सो फ्राइडे को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। सो फिर हमने सुबह उठ के सैटरडे को पूरी आलू की सब्जी बनाई मॉम एंड मैंने। तो हमने सोचा कि आज का दिन तो बहुत ही फाड़ू होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो वी वर वेरी एक्साइटेड। सो फिर हम लोग निकल गए समुद्र लिंगपुर वाटरफॉल के लिए। वहां तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा सुहाना बोल सकते हो, द व्यूज वर आउटस्टैंडिंग। बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे टेरेन्स हैं। सो जैसे हम लोगों ने करीमनगर के एक विलेज में एंटर किया सो वहां पे एक बहुत ही प्यारा ग्रीन फील्ड था एंड जो ग्रीन फील्ड थे दे वर इन द शेप ऑफ अ टेरेस। सो टेरेस फील्ड बोल सकते हो उसको। सो मैं तो कार से निकल के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई एंड मैंने बोला कि चलो यहाँ पे ड्रोन निकालते हैं एंड लेट्स टेक फ्यू शॉट्स फ्रॉम अबव क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो टेरेस का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। सो वी टुक आउट आवर ड्रोन एंड लॉन्च्ड इट देयर एंड या द व्यूज वर एक्चुअली फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स वहाँ पे मिले एंड जब हमने ड्रोन से देखा तो देयर वॉज अ लेक बिल्कुल पास में। हमारे आई लेवल पे तो नहीं दिख रहा था बट बर्ड्स आई व्यू से जरूर दिख रहा था। तो देयर वाज अ लेक। आल्सो उस विलेज में काफी सारे लेक्स हैं क्योंकि वहाँ पे पास में एक डैम भी है। दैट वाज क्वाइट आई प्लीजिंग। बहुत ही अच्छा विलेज था वो, बहुत ही लेस क्राउडेड था, बहुत ही सेक्लूडेड रीजन में था वो विलेज। सो वी कंटिन्यूड आवर ड्राइव। वो जो वाटरफॉल था वो गाँव के बहुत ही ज्यादा अंदर था। वहां पे जाने के लिए हमें GPS और गूगल मैप्स दोनों ने धोखा दे दिया था, हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा था। तो हम लोग बस लोगों से जो आ रहे थे और जा रहे थे उन लोगों से पूछ रहे थे, कोई कह रहा था आगे है, कोई कह रहा था पीछे है, वहां से जाओ, लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ। वी वर वेरी मच कंफ्यूज्ड। ऑल्सो बारिश की वजह से वहां तक के लिए रोड सारे ब्लॉक हो चुके थे। कार के लिए आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट से जाना पड़ता है। सो इसीलिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगा बट वी एट लास्ट फाउंड आवर वे टू द वाटरफॉल। जैसे हम लोग वहां पे पहुंचे Our reaction was, what the fuck? Oh my God, what is this? ये क्या है? YouTube video पे तो मतलब कुछ और ही दिख रहा था। ये क्या है? I mean, इतनी बड़ी चॉप मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई। Expectations versus reality. Like, I expected this and I got to see this. लिटरली वो वाटरफॉल ना मेरे से थोड़ा बड़ा होगा, अविनाश के हाइट का परफेक्ट, उससे भी ज़्यादा छोटा शायद, उतना छोटा था वो वाटरफॉल। इट वॉज नॉट इवन अ वाटरफॉल, इट वॉज अ मैन मेड रिजर्वॉयर। वहाँ पे बहुत सारे लेक्स थे मैंने आपको बताया। सो इट वॉज जस्ट अ स्मॉल डैम, मतलब डैम था बस और कुछ भी नहीं था। आई वॉज रियली रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने बोला ये क्या है? एंड ठीक है, अगर मैंने देखा भी यूट्यूब वीडियो पे, ऑब्वियसली इट वॉज सच, इट वॉज ट्रू। सो वहाँ जो उन्होंने दिखाया था उस वीडियो पे, वो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा। यार हम भी तो मतलब रेनी सीजन में गए थे, सितंबर इज द रेनियस्ट मंथ इन हैदराबाद एंड तब भी वाटर बहुत ही ज़्यादा मिनिमल था एज कंपेयरिंग टू दैट वीडियो। मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी एंड मेरे मॉम डैड और अविनाश हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये तूने क्या चूज़ किया, अब से तेरी बात हम कभी भी नहीं सुनने वाले। आई मीन दे वर सो डिसअपॉइंटेड एंड
उन्होंने कहा कि यार हम लोग पास में कहीं चले जाते हैं इससे अच्छा। तब बोलने लगे कि यार इतने दूर से तो ये देखने आई, बट मैंने बोला ठीक है इतने दूर से आई ही है तो चलो जाके थोड़ा पास में देख लेते हैं। सो वहाँ तक जाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रीम, 1 मीटर का स्ट्रीम होगा, वो आपको क्रॉस करना होगा। तो वो हम चप्पल उतार के वहाँ पे क्रॉस करके गए। इसी चीज़ को इतने दूर से देखने के लिए आई हूँ एंड अपना मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला। सो इट वॉज दैट एवरेज, यू कैन जस्ट इमेजिन। बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है इतने दूर आई है तो ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं, क्योंकि वो जो लेक है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एंड बीच में एक ट्री भी था, वहाँ पे लेक के अंदर एक बीच में ट्री था विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग। सो हमने सोचा कि ऊपर से शायद व्यू अच्छा आ जाएगा। सो हम लोगों ने वहाँ पे अपना ड्रोन निकाला एंड वी स्टार्टेड लॉन्चिंग आवर ड्रोन एंड हमने कुछ शॉट्स लिए एंड द शॉट्स वर फैब्यूलस। सो आफ्टर आई वाज सेटिस्फाइड विद द ड्रोन शॉट्स, मैंने कहा कि चलो अब वापस बुला लेते हैं अपने ड्रोन को। सो हम अपने ड्रोन को अपने कंट्रोलर से वापस बुला रहे थे, बट अविनाश को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया वहाँ पे। उसी टाइम उसने अपने ड्रोन को फिर से उस वाटरफॉल में भेज दिया, चलो एक और शॉट लेके आते हैं बोल के। मैंने बोला कि ठीक है ले लो तुम शॉट। तो उसने जैसे ही भेजा वो धड़ाम से जाके वाटरफॉल से टकरा के क्रैश होके वहीं गिर गया एंड वो कंट्रोलर से बुलाने के बावजूद भी वापस नहीं आ रहा था हमारे पास, बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। इट्स जस्ट कि इट वॉज बीप बीप कर रहा था एंड रेड लाइट उसमें जल रहा था, इट वॉज शोइंग कि इट वॉज इन डेंजर, योर ड्रोन इज इन डेंजर। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए उस मोमेंट में एंड ऐसा होता है कि पानी के पास जाते ही ना ड्रोन का GPS और GPS काम करना बंद कर देता है, तो नेटवर्क बिकम्स वेरी वीक, इसलिए वो जाके क्रैश हो गया। सो सत्यानाश हो गया था वहाँ तक। हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे, हमारे साथ एक दो फैमिली और भी खड़े थे जो कि उस वाटरफॉल को देखने के लिए आए थे, वो भी काफ़ी पैनिक कर गए थे। अब वो सोचते थे कि वहाँ से कैसे लाए। एंड नाउ आप लोग ये सोच रहे होगी यार तूने तो बताया कि वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो खुद ही जाके वहाँ पे क्यों नहीं ले आई। द थिंग इज कि वाटरफॉल छोटा था बट इट वॉज वेरी वेरी स्लिपरी, वहाँ पे मॉस था, बहुत ज़्यादा जमा हुआ मॉस था उधर, फंगस जमी हुई थी, तो इतना ज़्यादा स्लिपरी था वो जो व्हाट डू वी कॉल इट, जो सरफेस था वो इतना ज़्यादा स्लिपरी था कि किसी ना किसी का जो भी जाता उसका हाथ पैर टूटना ही था। फिर भी यू नो मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि यार मैं खुद जाकर ले आती हूँ बिकॉज इट्स सो कॉस्टली एंड उसमें हमारी कितनी मेमोरीज भी हैं, ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। मतलब 30 मिनट्स तक हम लोग पहले वेट किए बट देन जब देखा कि कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा हमें तो ही वॉज लाइक चलो यार चलते हैं वापस, अब यहाँ पे वेट करने से कुछ नहीं हो सकता। बट मी मॉम एंड डैड वॉज सो सैड बाय देन, हम लोगों ने सोचा कि अगर हम उसको छोड़ के चले जाएंगे ना घर हम रास्ते भर रिग्रेट करेंगे कि यार काश कुछ और देर वेट कर लेते और शायद कुछ मदद मिल जाती, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाता। सो यही सोच के हम लोग थोड़ी देर और वेट किए। सो हमने वहाँ पे देखा कि एक फिशरमैन था जो वहाँ पे ऑब्वियसली फिश कलेक्ट कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे उनको बुलाने की कोशिश की ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली दे कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, उनको तेलुगु ही आती है बिकॉज दे आर लोकल्स एंड हमें तेलुगु आती नहीं है। सो जो फैमिलीज थे हमारे साथ स्टक, तो हमने उन्हें कहा कि यार आप प्लीज़ उनको बुला दीजिए अपने लैंग्वेज में सो दैट ही कैन हेल्प अस एंड ऑल्सो वी कैन ऑफर हिम सम। फिर वो बहुत वेट कराने के बाद आए, धीरे 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 चल चल के आए हमारे पास एंड ही टोल्ड कि ठीक है आई ट्राई माई बेस्ट बट आई कैन नॉट गारंटी, क्योंकि वो जहाँ पे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगस है एंड मेरा भी हाथ पैर टूट सकता है, दो आई एम प्रोफेशनल बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। हम लोगों को एक दिलासा मिली एंड वी वर लिटिल रिलीव्ड बाय देन कि ठीक है शायद आ सकता है अब ड्रोन हमारे पास। ड्रोन जहाँ पे पड़ा हुआ था ना उसके ऊपर डायरेक्टली पानी गिरा था, तो हम लोगों को पक्का पता था कि अब तो ड्रोन चलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर पानी गया तो ऑब्वियसली नहीं काम करता है। बट स्टिल वी वर यू नो होपिंग कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, एटलीस्ट हमारे हाथ में तो आ जाए। सो हमने उनको भेजा वहाँ पे एंड यू वोंट बिलीव बहुत ही कम रास्ता था, आई मीन जस्ट हमारे बगल में वो वाटरफॉल था बट स्टिल उनको वहाँ तक जाने के लिए 45 मिनट्स लगे, पकड़ पकड़ के बाउंड्री को जा रहे थे, डैम को पकड़ पकड़ के ताकि उनका पैर ना फिसले। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि उनका पैर भी ऐसे ऐसे फिसल रहा था, डगमगा रहा था, वी वर वेरी स्केयर्ड कि अगर उनको कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हम पे आएगा, बट देन ही ट्राइड हिज बेस्ट, वहाँ तक गए वो बट वो लाए नहीं, वापस चले आ रहे हैं। हम लोग उनको बुला रहे हैं, तेज से बुला रहे हैं बट ऑब्वियसली वाटरफॉल की आवाज़ से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी।
वो वापस चले आए ड्रोन के जस्ट बगल से. एंड मैंने बोला शिट, अगर थोड़ा और ट्राई कर लेते शायद हमको मिल जाता ड्रोन. वो वापस चले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं वो वापस आ रहे हैं. इट वॉज सच अ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. फिर हमने उन्होंने हमको साफ साफ बोल दिया यहाँ से मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर हाथ टूटेगा, मेरे भी बाल बच्चे हैं यार, ऑब्वियसली मैं क्यों जाऊँगा, सिंपल सी बात है. तो वी वर ऑल वेरी ग्लूमी बाय देन. हम लोग बस कोस रहे थे कि हम लोग आज का दिन यहाँ पे क्यों आए, ऊपर से इतना सड़ा हुआ वाटरफॉल देखने हम लोग क्यों आए, व्हाई डिड वी इवन कम हियर. बट हम लोग सारी होप्स खो चुके थे उस टाइम तक. सो हम लोग सब बस कार में बैठ ही रहे थे. आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि भगवान जी कुछ मिरेकल हो जाए यार, कुछ तो मिरेकल हो जाए. You wouldn't believe, and suddenly a guy came out of nowhere. He was a local, and उसने वहाँ पर एक बाइक खड़ी करी हमारे कार के जस्ट बगल में. एंड हम लोग कार के अंदर जस्ट बैठने ही वाले थे, ड्रोन को छोड़ के हम जाने ही वाले थे. और वो आके हमारे कार के बगल में अपनी बाइक पार्क कर देता है. सो ही आस्क कि क्या हुआ, मतलब ऐसा हच पच क्यों लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है करके. तो फिर हमने उसको जो स्टोरी बताई कि भैया हमारा ड्रोन ना वहाँ पे फंस गया है एंड पता नहीं कैसे होगा कैसे लाए. यू नो वॉट ही टोल्ड, उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ. एंड आई वाज लाइक व्हाट, अभी फिशरमैन ने ट्राई किया उससे तो नहीं हुआ, आप कैसे कर लोगे. आई वॉज वेरी रिलीव्ड बाय देन कि ठीक है थैंक गॉड एटलीस्ट आपने सुना, किसी को भेजा आपने. एंड यू वोंट बिलीव, वो तुरंत गया और तुरंत ड्रोन लेके आ गया. ही वॉज अ वेरी यंग मैन, ठीक है. हम लोग सब शॉक थे कि कैसे हो गया ऐसे, जस्ट गॉड ने हमारे लिए एंजल भेज दिया. सो वी वर वेरी हैप्पी कि ड्रोन हमारे हाथ में आ चुका था. बहुत सारी फुटेजेस थी, जब से ड्रोन हमने लिया है सारी की सारी फुटेजेस उसमें थी. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई गॉट ऑल द फुटेजेस. हम लोग फिर वापस आए, वी स्टॉप बाय दिस शुगर केन फील्ड. वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, काफ़ी अच्छा वहाँ पे सीन था. द विलेज इज क्वाइट ब्यूटिफुल एंड यू विल सी ऑल ऑफ दैट इन द वीडियो लेटर. सो या दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ माई ड्रोन क्रैशिंग. द ड्रोन इज स्टिल नॉट वर्किंग माइंडेड, बट या सारे फुटेजेस मैं अभी अटैच करूंगी वीडियो में, आप देखना काफी अच्छे अच्छे शॉर्ट्स हैं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, स्प्रेड लव एंड बाय.